गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मसल एंड मशीन। और आज नेक्स्ट डे हो गया मंडे, मैं और आशुतोष जग गए, बाकी लोग रेडी हो रहे हैं और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए, मौसम हल्का सा ठंडा है। अभी हम लोग उठे हैं, थोड़ा लेट हो गया, तो अभी हम लोग ट्रैक करने का स्टार्ट कर रहे हैं, सोचे हैं। तो वहाँ रास्ता है, उस साइड हम लोग झूले पर रास्ते बैठे हुए थे, तो वहाँ से हम लोग चढ़ेंगे और ऊपर पहाड़ जो है वहाँ ऊपर तक जाना है और फिर वहाँ देख के इस सनराइज़ का थोड़ा और मज़ा लेना है। तो चलिए एक बार थोड़ा ऊपर जाके भी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो सुकून वाली सीनिंग है ना, बहुत सही है। मतलब सिटी लाइफ की भाग दौड़ से कुछ टाइम के लिए अलग रहना है, मतलब 1-2 दिन, तो काफ़ी अच्छी जगह है। जैसे अभी सुबह हुई है तो एकदम शांत माहौल है, बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और साथ में ये नज़ारा देख रहा है। और नदी की तरफ अगर देखेंगे तो अभी वापस नीचे जाएंगे, बाकी लोग रेडी हो रहे हैं और जल्दी से हम लोग ऊपर ट्रैक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो तक स्टे ट्यून। अभी निकल गए हम लोग और चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैक दोनों के साथ। हाँ, अरे अभी इसको लगा के छोड़ दूंगा, बस वही सर भारी हो जाता है। इधर ही है, हाँ ये रहा, बोल रहे थे ना कि रास्ता बना हुआ। मौसम बहुत बढ़िया है। ये वो रबर वाला भी रबर निकालते हैं ना, उसको भी सुनाया हुआ था। वाह, इधर ही है, इधर 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 रास्ता बनाया है ना। लोग नदी के साइड साइड तो मौसम काफी अच्छा, ठंडा ठंडा है और ट्रैक करने के लिए काफी सही टाइम है। अभी कुछ दिन पहले मैं रांची में ये ट्रैक पे गया था, उस जगह भाई श्रुति पानी नहीं लेना तुम अभी चलो पहाड़ नहीं चढ़ रहे थे, ठीक है अभी जब लेट्स सी क्या होता है। नहीं यार, ड्राई नहीं हुआ। इधर है, उधर है। अच्छा रास्ता है, रास्ता है। चलो अब इधर से ऊपर अब मजा आएगा। श्रुति
दे वहाँ है दोनों ऊपर, दोनों पहुँच गए पेड़ों के बीच से। दादा आ रहे, वो दोनों ऊपर है दोनों धोखे बाद हम लोग को बोल के भाग गए। अरे इधर आ जाओ, इधर ही है, उधर ही जाएंगे। और ये श्रुति मैडम, हाँ इधर है, आरो है पूरा, उसको एडवेंचर करना है, झाड़ियों के बीच से जाना है। अरे उतर के इधर से आ जाओ ना, खाली है पूरा, ऊपर और झाड़ी में फंसोगी। अभी पहाड़ देख के मेरे को वापस हेवन व्यू हिल पॉइंट जो था वहाँ की याद आ रही है। और ये इसको अलग एडवेंचर का शौक चढ़ रहा है, जो सीधा सीधा रास्ता है वो छोड़ के आराम से धीरे धीरे आओ। तो अभी हम आओ आधे रास्ते आ गए और पीछे से पूरा टाउन का व्यू दिख रहा है। ये तो आधे रास्ते से व्यू है, ऊपर और मजा आएगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड हेवन व्यू हिल पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी इजी लेवल वाला ट्रैक है। जाओ आराम से, क्योंकि वहाँ स्टीप ज़्यादा था, यहाँ कम स्टीप है और रास्ता भी अच्छा खासा बना हुआ है, तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ। ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए, वही थोड़ा सा आ जाओ ऊपर आके आराम करना। और इधर इजी भी है, रास्ता बना हुआ अच्छा खासा। अबे उन लोग इधर है, हाँ दादा लोग इधर गए थे ना, ये तो पहुंच गए हैं। ये अभी यहाँ से दो रास्ता हो गया, हम लोग इधर वाली में आ गए, गौरव और आशुतोष इधर इस वाली में चले गए। थोड़ा सा हो जाएगा, वो लोग पीछे वाले पहाड़ में, क्योंकि वो लोग यहाँ आने ही हैं, वो लोग उस पहाड़ में। दिख रहे तुम्हें कहीं, हम सही पहाड़ी पे ना, आवाज दो ना सामने, चिल्लाओ ना थोड़ा, हमें आवाज आएगी कहाँ पे। ये ऊपर से सिटी का व्यू और वो पेड़ के बीच से वो ब्रिज दिख रहा है जहाँ से हमने होटल एंटर किया। चिल्लाओ, अच्छा दिखे दिखे दिखे, ठीक है ओके ओके, दिख गए। कहाँ दिखे? यहाँ पे एरो था गरिमा, उस साइड क्या करने? रुको 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 रुको, उधर जाना है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो वैसे उधर चले गए, आ जा जो ठीक है। अबे उधर पेड़ सब है, सीधा दिखेगा यहाँ पेड़ से पहाड़ छिप रहे, पहाड़ के ऊपर आ गए। अबे आ रहे इनको लेके, वो वैसे ही घूमने वहां चले गए, गरीब में चढ़ेंगी उसको आधे रास्ते से रोक कर देना, लेके आए इसको, आ जाना वहां से घूम फिर के, ए चल ना। अरे उसे घूम फिर के इधर आ जाना, उधर पेड़ नहीं है, उधर उस साइड का सही दिखेगा। अच्छा सनराइज देखने गए थे, रुक आ रहे हैं, रुक आ रहे हैं, चलो ठीक है आ रहे हैं नीचे उस पहाड़ पे जाना सनराइज के लिए। मैं भी जा रही हूं।
वो पहले ही दम तोड़ रही है। हाँ भाग के जाऊंगा। अभी उनके चक्कर में दूसरी पहाड़ पे आ गया था, तो अभी आशुतोष और दादा के पास जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उधर पेड़ नहीं थे और वहाँ से मे भी सनराइज ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। ये दोनों बाबा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये दादा इधर है और इधर आशुतोष योगा कर रहा है, और काफ़ी ही बढ़िया व्यू है। नीचे से हम होटल देख रहे तो हमें इस पहाड़ तक का व्यू दिख रहा है, अभी पीछे भी दिख रहा है। से हाय वो लोग वहीं रुकी है ट्रैक का, उधर देखे ना तो जो मेन नाम है धर्मशाला, तो वो वहाँ रेड कलर की बिल्डिंग जो है वो मोनेस्ट्री है, तो देखते दिन में हम लोग प्लान करेंगे जाने का उधर। तो कुछ देर हम लोग यहाँ रुक के तीनों सांस नॉर्मल करेंगे, तीनों नहीं मैं अकेला, ये दोनों बहुत देर से बैठे हुए हैं और दादा मेरे को छोड़ के अकेले भाग के आया था। नहीं दूसरा बैटरी लेके आया। फ्रेंड तो आपने अभी सनराइज़ वाला पार्ट अभी मैं ऐड करूँगा टाइम लैप्स में, मैंने कैप्चर किया है, तो जो मेन चीज़ था वो हमने देख लिया है और धूप अभी काफ़ी बढ़ रही है और सुबह के 6:30 बजे है, तो अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे वापस, ये दोनों बढ़ रहे हैं, हम लोग वहाँ से नीचे बढ़ेंगे और फिर दूसरे पहाड़ में दोनों गरिमा और श्रुति वहीं रुके हुए, तो हम लोग वहाँ बढ़ेंगे और फिर वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं वापस लगा लेता हूँ। तो यही था वो नज़ारा जिसके लिए हम ऊपर आए थे, और अभी पहाड़ का जो टॉप है वो सनलाइट के कारण दिख रहा नहीं है क्लियर, लेकिन उस साइड का जो नज़ारा है पहले यहाँ पूरा शैडो के कारण दिख रहा नहीं था उतना अच्छा, थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, अभी मतलब लाइट जब पड़ रही है तो काफ़ी अच्छा और ग्रीन दिख रहा है, और वो धर्मशाला है वो अलग उधर से शाइन मार रहा है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नीचे और बढ़ते हैं उन दोनों के पास। दादा इस साइड से, इस साइड से। अबे इस साइड नहीं है ट्रेल। है। धीरे धीरे या इधर इजी हो जाएगा दादा, यहाँ तक आ जाओ बस। आराम से आ,
ये अभी पूरे टाउन का नज़ारा यहाँ से सनराइज के बाद। उनके लिए कैमरा सेटअप डन। बड़ो तुम्हारा ना हल्का फुल्का होने का बहुत फायदा होता है, कहीं से भी निकल लेती है। ये इतना आराम से चढ़े जा रही, इसकी सांस फूल रही है और ये इधर आधे रास्ते पार। नहीं, मेरा जिम बहुत हुआ है और अभी हाल फिलहाल में तो हद से ज्यादा। दादा झाड़ियों से निकलते हुए दादा मेरे को ना यहाँ वो पहाड़ी मुर्गी दिखी अभी। हाँ वो किया जा सकता है, वैसे भी अभी एक्सरसाइज बहुत हुआ है, वी नीड सम प्रोटीन। गरीबा क्या पता पहाड़ी मुर्गी को ही काट के खिलाया हुआ कल रात में। पोलियो ऐ यहीं रुक के फोटोज ले लेते हैं। श्रुति काला पेन का ये पता ही नहीं चल रहा पेड़ है। अरे हाँ यही तो मैं इसको बोल रहा था, चुप गए तुम लोग पेड़ के पीछे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलो बे मज्जा आगे मज्जा। ये शिकारी आशुतोष एक मक्खी का शिकार करते हुए। बहुत है भाई 2 किलोमीटर। देख रहा है तुम कहाँ पे व्हाइट मार्क किया हुआ है, नीचे दिख रहा है तुमको जाएगा यहाँ से पूरा वहाँ तक जाएगा वो, इधर तक दिखा दिया तो इन लोग यहीं बैठ जाएगा साला। छोड़ो ना भाई अभी चुपचाप रहो। हाँ हाँ चलो चलो कैडिल नहीं बनाना क्या तुमको, उनका बनते बनते हो जाएगा। ये करना एक बार मैं इसके से ओए चलो चलो। अब ये लोग दोनों की हो गई, अब मेरी बारी, इसको पहन ले। राइट है ढीला ठीक है इधर से ना सुनो। हाँ लो पकड़ो इसको। मेरी शॉट भी हो गई। ये तीन आलसी लोग ये दो लेट लतीफ लोग, एक स्लो ट्रेन लेटा है और दादा को बस लेटने का मौका चाहिए। स्लो ट्रेन। अरे ये लेट के फोटो खींचे यहाँ पे कौन लेटर है कौन फोटो खींचे। चलो अभी आधे रास्ते पहुंच गए नीचे, अभी थोड़ा सा और बाकी है और फिर नीचे जाके थोड़ा रेस्ट करना होगा क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है। ये वो लोग भागते हुए। आशुतोष आ रहे अभी नीचे उतरते वक्त पूरा ऐसे ही स्लिप कर रहा है। वो भी बीच में हम लोग दूसरे साइड चले गए थे ना। फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए, अभी तो सबसे पहले रूम जाएंगे हम लोग। फाइनली ट्रैक खत्म हुआ,
होटल हम लोग पहुँच गए। अराउंड 2 घंटा लगा हम लोग निकले थे, 5:30 बजे, और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट, और वो ज़्यादा। अब पानी की बॉटल लेके आओ ना। अच्छा चाबी मेरे पास है। तो पानी में चले। वो भी ठंड से हालत टाइट हो गई थी। तो चलिए अभी हम ये वाला पार्ट तो एंड करते हैं और फिर पानी में कुछ देर रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। अभी दिन के 11 बज गए और हम लोग यहाँ प्राकृतिक एली से अब निकलने का टाइम हो गया, तो चेकआउट कर रहे हैं। और वो लियो उधर बैठा हुआ है। ये बाय तू लियो, एक बार मिल लेते हैं जल्दी से उससे। बाय बाय। चलिए अब हम चेकआउट हो गया है, अब हम बढ़ते हैं कार की तरफ। तो अभी एक फिर से छोटा सा ट्रैक करना है, वापस ऊपर की तरफ जाना है, एंड वहाँ से कैब आ गई है, तो कैब से फिर हम बढ़ेंगे आगे। एंड ये रही दोनों मेम, एक पंजाबी मेम और एक बिग दलहन की मेम, और ये अपने झारखंडी भैया, और ये अपने बंगाली भैया। झारखंडी बंगाली क्या है, इंडियन है सब लोग। इंडियन है हम लोग। वो स्विट्जरलैंड, ये देखिए छोड़ करके, ये अलग ही। आखिरी बार स्ट्रीम को देख रहे थे, क्योंकि अब इसके बाद पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा। तो अभी हम लोग को जाना है उस जगह ऊपर, वहाँ कैब खड़ी हुई है। बारिश भी, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल काफ़ी आ गए हैं। लेट्स होप कि आज बारिश ना हो। एंड जो हमारा प्लान है मोनेस्ट्री विज़िट और बाकी प्लेसेस विज़िट करने का, तो वो सारा पूरा हो जाए। तो अभी ऊपर आ गए, और पीछे आप लोगों को होटल दिख रहा होगा।